हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोबल गुलगुल एंटरटेनमेंट। और बिना किसी प्रबोधन के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और मेरे को आज ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, क्योंकि मैं सुबह से उठ के ही भागदौड़ी कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरे शॉप की जो है ओपनिंग है। तो इसीलिए अभी तक बहुत सारा काम बाकी है, जो भागदौड़ करने के चक्कर में मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ। तो लेकिन अब बनाऊंगी मैं, क्योंकि अब थोड़ी सी राहत मिली है मुझे। वाओ, ये क्या था? वो ओपनिंग, वो स्टार्टिंग कर देंगे, स्टार्टिंग। तो अभी मैं बस नहा धो के वैसे कपड़े पहन लिया, पहन के ऐसे ही कपड़े पहन लिया। और तो अभी तो फिलहाल जा रही हूँ मैं मंदिर, क्योंकि मंदिर मेरे को पूजा करने जाना था, तो वो मैं पूजा करके आती हूँ। पूजा करके आती हूँ। और अभी मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, वक्त। चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। काटो। अभी चल रहा है काम यहाँ पे, ये मैंने कारपेट बिछवा लिया है। मेरा काउंटर बन के आया नहीं, इसलिए मैंने वहाँ पे टेबल रखवा दिया है। और उधर कुर्सियाँ, ये फिलहाल के लिए कवर किया है, इसके ऊपर मैं वो लगा दूँगी, बोर्ड लगवा दूँगी। बेहद खूबसूरत लग रही है आप। मैं तो अभी तक रेडी नहीं हुई, जब मैं रेडी होंगी तो आप देख के जल जाएंगे। पारी पागली लग जी। अरे कर रही हो, तब से तो उठ के भाग रही हो, देख रहा है, उठ के भाग रही है, काम नहीं कर रही। दूटो हाँ। और अभी तो शोर शराबा बहुत ज्यादा है, अभी खाना खाएंगे। अभी मुझे मंदिर जाना था, मंदिर अभी तक जाना नहीं हो पाया, बस वो दो काम ना दो कर, दो काम करवा के आई हूँ। मेरे पास अभी जा रही हूँ फटाफट, क्योंकि मेरी हिम्मत तो हो नहीं रही है, लेकिन मिलते हैं। तो अभी हो गई हूँ मैं रेडी, और अभी बज रहे हैं 4:30, और यहाँ पे बहुत जल्दी अंधेरा भी हो जाता है और ठंड भी बढ़ रही है। तो मैं अभी जा रही हूँ, क्योंकि अभी तक पूजा नहीं हुआ है, मंदिर में जाना था मुझे पूजा करने के लिए। तो अभी जा रही हूँ शॉप पे फटाफट से, क्योंकि माल लगाना है मेरे को, जल्दी जल्दी मैं माल लगवा के फिर फटाफट निकल जाऊँगी मंदिर के लिए। वहाँ से पूजा वूजा करके फटाफट आ जाऊँगी, और फिर शॉप की ओपनिंग हो गई मेरी। और मैंने पहनी है साड़ी इस टाइम पे, और बाबू भी रेडी हो गई है, बाबू गई हुई है शॉप पे, बाकी सब लोग ही शॉप पे। तो अभी मामा बाहर का डेकोरेशन कर रहे हैं, और यहाँ पे इन लोगों ने अभी डमी टांग दिया, अभी बिन कपड़ों के, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इसको खोला ही नहीं। मेरे मामा बहुत अच्छा डेकोरेशन करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और एक पागल लड़का दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। और पागल लड़की पागल लड़की हो, कितनी अच्छी लड़की है। तो ये पागल, तो डेकोरेशन का काम चल रहा है। तो
अभी चल रही है सारे को मतलब बंद के अभी हम लोग कर रहे हैं दुकानों पे वो कितना सुंदर है निकाल के सजा रहे हैं देखते हैं फिर क्या रह जाएगा फिर दोबारा हम करेंगे उस चीज में बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे साड़ी पहनने में बड़ा मजा आ रहा है हम तो ले रही है क्या क्या 300 का 300 का अरे कापुट्टे चोरी ना कापुट्टे चोरी ना अगर कि इतनी वजह छापू वो ना इतनी इसको पूरा चापा दे दिया अरे एक ने ऐसे कोई चीज दी थी अच्छा ठीक है कोई चीज ना कल तू शुरू करता तो हाँ ठीक है बता दे कि अभी फिलहाल मैंने भगवान को यहीं स्थापित किया है फिर बाद में देखते हैं इस कोने में नहीं तो इस कोने में मैं भगवान की मूर्ति स्थापित करूंगी तो आज जितना भी काम हुआ उतना कर लूंगी क्योंकि अभी तक मेरा काउंटर नहीं आया है काउंटर कल आएगा और अभी तक बोर्ड भी नहीं आया है तो चलिए जैसे जैसे बहुत ज़्यादा थक गई हूँ बहुत तेज आ गया मम्मी का फ़ोन आ रहा है रुकिए 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 तो मेरा पहला जो कस्टमर था वो राशि चंदा ने अटेंड किया ओह माय गॉड ये भी पास में बैठी हुई है लेकिन तब थी नहीं ये हाँ ये गई हुई थी और अभी मैं बैठी हुई हूँ अभी बहुत ही जवान हो गया अच्छा लग रहा है अब फिर काउंटर रह गया है मेरे वो कुर्सियाँ वगैरह भी देखा है ना ये तो सब भाड़े पे है ये कारपेट वगैरह सारे भारे आऊंगी दिल्ली से এরকম কিনে আনলে প্লাস্টিক থেকে ভালো কিছু ঠান্ডাতে ঠান্ডা লাগবে আর প্লাস্টিক এত ঠান্ডা উঠবে ये ফ্লক মার্কেট में मिल जाएगा জি আমাকে জিজ্ঞাসা করছে পুচু পুচু कोई
देगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोबल गूगल एंटरटेनमेंट। और बिना किसी प्रोड्यूसर से आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ टोटो में, क्योंकि मेरे को अभी टाइम मिला है ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के, घर पे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था क्योंकि शॉप ओपन हो गया है, उसकी वजह से मेरे को ज़्यादातर शॉप में रुकना पड़ता है। तो जब यदि क्योंकि नया स्टाफ रखा है तो वो नया है, उसका पहला दिन था, उसको समझाने समझाने में टाइम निकल गया। फिलहाल अभी मेरे को एक मीटिंग में जाना था, तो मैं जब आई थी यहाँ पे एक मीटिंग करने के लिए गई हुई थी, क्योंकि सारी माल अभी तक मेरे पास पड़ा हुआ है, तो वही मैं देने के लिए जा रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं आती हूँ काम। वहाँ से माल देके अभी तो मैं घर पे हूँ, और घर पे नहीं मामी के शॉप पे हूँ। फूलों पर दिख ही रहा होगा, किसी को अगर फूल चाहिए तो मुझे बताना, मैं मामी का कॉन्टेक्ट नंबर दूँगी। मेरे मामा बहुत अच्छा डेकोरेशन करते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट के लिए, और मेरी मामी जा रही है खाना खाने, क्योंकि आज ये गुस्सी है, अपने वीर से गुस्सी है। उस दिन का प्यार देख रहे थे स्टेशन पर, कैसे खड़ी थी स्टेशन पे, अपने पति का इंतजार कर रही थी। अभी ये खाना खाने के लिए जा रही है, गुस्से में खाना नहीं खाया। और फिलहाल मैं जा रही हूँ बारकोड लेने के लिए, फटाफट जाते हैं और आते हैं। तो चलिए, मेरा काम तो हो गया, और राशि अभी शॉप पे है, और जो मैंने स्टाफ रखा था वो भी शॉप पे ही है। दोनों मिलकर बैठ के आपस में गपशप लड़ रहे होंगे, तो मैं जा रही हूँ अभी बारकोड लेने के लिए। तो चलिए आप भी मेरे साथ बारकोड लेने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बारकोड भी बेल आइकन की तरह। तो यहाँ पे लगा है विज्ञान मेला, और बाहर के साइड में लगे हैं थोड़ा मेले टाइप में जो लगता है, दुकानें वुकाने हैं, और अंदर चल रहा है, दिखाती हूँ आप लोगों को, रुकिए ज़रा थमिए। ये सब यहाँ पे पकवान बन रहा है, दो साल बाद ये मेला फिर लगा है, पहले हर साल लगता था। और इसे बोलते हैं विज्ञान कृषि और ग्रामीण शिल्प मेला। लड़ाई वड़ाई होती है फ्री में, यहाँ पे उन लोगों को कोर्ट का वो फैसला किया जाएगा, मतलब वकील मिलेगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, मतलब ये तो था सारा मॉडल का, क्योंकि विज्ञान मिला है तो विज्ञान के बारे में जानकारी देना इन लोगों का फर्ज बनता है, और फर्स्ट डे है तो इसलिए ज़्यादातर तो लोग नहीं होंगे, ज़्यादा मॉडल नहीं बैठा है। और कल से फिर से रनिंग पे होगा, ये सारा सामान सारा चीज़ होगा, सारा मॉडल होगा। यहाँ पे भीड़ भी बहुत होगी, तो दिखाऊंगी। यहाँ पे तो अभी लगा हुआ है झूला वगैरह भी स्टार्ट नहीं किया गया है, क्योंकि ज़्यादा लोग आए नहीं है, गैदरिंग नहीं करी इन लोगों ने, लेकिन फिर भी झूला वूला लगाया। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, अंधेरा सा हो रहा है क्योंकि इससे ज़्यादा मॉडल नहीं लगा इस चक्कर में, ये बच्चों के लिए सारे। झूला नहीं खुला है क्या? नहीं, कल खुलेगा। ये पता नहीं रॉकेट लॉन्चर है, यहाँ पे बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, देख के जाना पड़ेगा। और इस झूले को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत डरावनी झूला होता है। बाकी यहाँ पे सुपर मेलोडी एक्सप्रेस है, मतलब कि ट्रेन, जो कि कहाँ से कहाँ तक जाएगी ये मुझे भी नहीं पता, बस इतना सही है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है, यहीं से ख़त्म होगा। क्या पैर में लग गया, इधर बच्चे उछलेंगे बॉल की तरह। फिर हाँ हाँ देख लिया, ये लगाया बच्चों का छोटा भीम। ये लोग खाने लग गए, जल्दी आ। खा रही हो तुम लोग, चोरी। और मेरी रिंग वाला भी है इसमें। तो ये फिर से मार्केट लग गया है यहाँ पे खिलौनों का, और ये है गौरल काचा हाई स्कूल मार्ट, जो कि मैं आपको ब्लॉगिंग में दिखाती रहती हूँ। आए थे
अरे ये क्या है? हमें दे थी बंदी लो सके दे लो तुम्हें दे चो और ये वो मालिक मालिक जब इतना कुछ दिला ही रहे हैं तो 5 रुपए का वो भी ले लीजिए मालिक ले लीजिए ना बेचारी गूंगी है खा लेगी बेचारी बेजुबान जानवर है खिला दो मालिक 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 निर्दयी है ये मालिक सिर्फ 20 रुपए का सामान देकर चली गई बदतमीज है मालिक हमारा मालिक अरे बेजुबान दी तू तो अब्बा डब्बा जब्बा तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं हावड़ा स्टेशन और मैंने डानपुरी का कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्ज बहुत कम है और थोड़ी देर में मेरा फ़ोन भी बंद हो जाएगा थोड़ा बहुत चार्जिंग रखना पड़ेगा इसलिए मैं आज ब्लॉगिंग करूँगी मानू के फ़ोन से। तो अभी पहुँचे स्टेशन और यहाँ पे मामी कह रही कि हम लोगों को पैदल जाने के लिए लेकिन हम पैदल नहीं जाएंगे हम बस से जाएंगे पागल रहो ये पैदल चलाते इतना पैदल चलना पड़ता है हालत ख़राब हो जाती है। तो चलिए जेब में चलिए मिलते हैं बाहर तो क्रिसमस के खुशी में मैं लेके जा रही हूँ आज एक केक शॉप पे केक काटूंगी और यहाँ पे है मियो मोरे आया है मेरे साथ बाबू और ये लोग इतने ढीले हैं कि काम करने में इनको 10 घंटे लगते हैं बॉयफ्रेंडों से लगे पड़े। मेरे को आए हुए बहुत टाइम हो गया मैं बड़ा बाजार गई हुई थी तो वहाँ से आके अब शॉप पे थोड़ा बहुत डेकोरेशन करा था लेकिन वो गुब्बारा उब्बारा सारा खुल गया मतलब इस लाइन पे मैंने गुब्बारे लगाए थे गुब्बारे खुल गए उसके और तो मैंने क्या किया गुब्बारा खुल गया तो मैंने ये सारा गुब्बारा यहीं रख दिया मम्मी बाबू को लेके जैसे बैठी रहती वैसे बैठी हुई है अभी जगाएगी बाबू को ये रही राशि बैठी हुई है और ये है अर्पिता ये हमारे यहाँ का नया मेंबर और पिता ये है और पिता ये नीचे बोल लो और पिता नीचे ए ऐसे काम ना तो बोलती है ये है और पिता बहुत सारे पिता और ये हमारी मामी ऐसा सेंटी देख रहे हो कैसे इग्नोर मार के जाती है ये हमारी मामी कैसे इग्नोर मारती है जय फोन पे नहीं तो अभी काटेंगे केक मोमबत्ती लाई नहीं मैंने लिखवाया वेदांशी कलेक्शन क्योंकि शॉप का नाम है वेदांशी कलेक्शन इसने कर दिया वेदांशी कलेक्शन अच्छा वो कैस्ट्रॉल नहीं लिख दिया नहीं तो बहुत भारी दिक्कत में पड़ जाते हैं हम लोग अभी वेट कर रहे हैं हम लोग मानू आएगी तो हम लोग केक काटेंगे और अर्पिता को भी जाना है घर अर्पिता भी जाएगी घर पे
तो अभी बस बाबू भी आने वाला है, मानो को लेने के लिए गए, बस हम काटेंगे। ये रही पागलपंती की हद होती है। We wish you a Merry Christmas. And a happy new year. अरे देखो तो स्पीकर तक देखो कर भी बीची दुकान की सफाई हो रही है। मैट लग रहा है इधर की तरफ। बड़ी अरे बाहर गए बड़ी। मैट कैसा है? मैट कैसा है? बहुत भारी है। आप मैम आप दुकान देखिए इतनी खुश क्यों हो रही है? अच्छा 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 ये आपकी दुकान है? ओ है आपकी दुकान बोल रहा था की बोलो क्या हुआ भाई?